छतरपुर सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों से हाट बाजारों में मांस और मछली का विक्रय करने वाले 500 से ज्यादा परिवारों की रोजी रोटी पर नगरपालिका के एक आदेश ने बड़ा प्रहार किया है। इन 500 लोगों के द्वारा परिवार के 5000 लोगों का भरण पोषण किया जाता है। अब इन लोगों को शहर के हाट बाजारों में व्यापार करने की अनुमति नहीं है। नगरपालिका के इस आदेश के खिलाफ मांस मछली विक्रेताओं ने मंगलवार को ज्ञापन सौंपा था। बुधवार को जब नगरपालिका ने एक बाजार से कुछ मछली विक्रेताओं को व्यवसाय करते हुए पकड़ लिया तो ये कारोबारी दोबारा विरोध करने नगरपालिका पहुंच गए। मछली कारोबारियों के प्रतिनिधि राजू खटीक ने बताया, हम वर्षों से हर बाजार में एक निर्धारित स्थान पर अपना व्यापार कर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों नगरपालिका ने गणेश चतुर्थी पर्व के नाम पर हमें व्यापार करने से मना कर दिया। अगर हम व्यापार नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। राजू खटीक ने बताया कि नगरपालिका की टीमों ने खौफ निवारी से आई रैकवार समाज की मछली विक्रेता महिलाओं का सामान जब्त कर उनके साथ अभद्रता भी की। इस संबंध में छतरपुर नगरपालिका अध्यक्ष ज्योति चौरसिया ने कहा कि नगरपालिका की टीम ने किसी के साथ मारपीट नहीं की है। आदेश के तहत शहर के हाट बाजार में मांस का विक्रय रोका गया है, क्योंकि मांस विक्रय के लिए शहर में अलग स्थान निर्धारित किया गया है। जब स्थान अलग है तो हाट बाजारों में मांस विक्रय नहीं होगा। ये परेशानी है कि मीट वाले, मुर्गे वाले और मछली वाले और भुंजी वाले, कच्ची वाले सब लोग आते हैं। बाजार हाट वाले हैं हम लोग, सब करीब करीब 500 परिवार हैं और उसमें 5000 आदमी हैं छोटे बड़े मिला के, और ये शहर छतरपुर में आके अपना पालन पोषण करते हैं, बच्चे पालते हैं, हर जगह की आते हैं और हर गांव के आते हैं। और जब से हमारे पप्पू भैया चेयरमैन जी पद पे आए हैं, इन लोगों ने आदेश निकाला कि इन लोगों को हटाया जाए यहाँ से, या जैन साहब के कहने से, हमारे जैन साहब पत्रकार साहब हैं कोई, हम उनको जानते नहीं हैं, उनने पिछले मकसूद अख्तर के टाइम पे भी ऑब्जेक्शन उठाया था, तो हम लोगों को मकसूद अख्तर यहाँ निश्चित जगह कर गए थे कि आप लोग यहाँ बैठना, हम उसी जगह बैठते हैं। अब वहाँ से हमको हटाया जाता है और नहीं हटते हैं तो बेदर्दी से बिज्जती करके, हमने सुना है कि देखा तो नहीं है कि दो तीन मछली वालों को मारा भी है और दो पुलिस वाले भी थे उसमें, दो पुलिस वाले भी शामिल थे। आज क्या हुआ है? आज ये हुआ है कि ये महिलाएं आईं खोप निवाड़ी से बाजार में आई, बैठ नहीं पाई, सामान खोल नहीं पाई। नगर पालिका की गाड़ी गई और 5-6-7 महिलाओं को उठा के ले आई, उनको छुड़ाने के लिए हम आए थे और निवेदन किया मैंने हाथ जोड़ के, और ये भी कहा उन्होंने कि बाजार नहीं लगने देंगे, क्योंकि गणेश जी चल रहे तो गणेश जी वाले गणेश जी करते हैं और धंधा वाले धंधा करते हैं, खान पान में कोई रोक नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई मारपीट नहीं की है। आदेश इसलिए निकाला है कि जो मांस मंडी है तो मंडी में लगाए जाके, हम नहीं चाहते कि कोई गरीबों का नुकसान हो। है एक व्यवस्थित स्थान जब उन्हें मिला है तो वहाँ जाके बैठे, हर मंडी में जाके देखो गंदगी फैल रही है। अगर अपन को स्वच्छ बनाना है, नगर का विकास करना है, तो एक व्यवस्थित तरीके से करना पड़ेगा। अब वो क्या बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनको किसी ने ना मारपीट किया, सिर्फ आदेश दिया है कि मंडी जहाँ है वहाँ मंडी लगाई जाए, इससे कि लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं हो कितनी बदबू फैल रही है, कितनी गंदगी वो मंडियों जहाँ हाट लगती है, तो ये अपनी मंडी में जाए, जिसको खरीदना है तो मंडी में खरीदने जाएगा। नहीं, कोई मारपीट के लिए उनको चिन्हित किया गया है, कहाँ पर उनको, जो उनकी मंडी है, मांस मंडी है, वहीं उनको चिन्हित किया। और कोई भी हमारे कर्मचारी ऐसे नहीं है कि किसी के ऊपर हाथ उठाए, सब ने तरीके से बोला उनसे कि आप जाइए, वो अपने आप ड्रिंक करे हुए हैं, अपने आप ही कुछ बोल रहे हैं, तो इसके लिए बाजार में लगानी, मंडी में नहीं जाना, दुकान लगाने के लिए, तो फिर ये तो संभव नहीं है।